हेलो फ्रेंड्स, आपके क्विक एंड इजी चैनल में मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम ऐसी कुछ सब्जी बनाने जा रहे हैं कि जिसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े। जब हमारे घर में कोई सब्जी ना हो और कुछ उपलब्ध ना हो, तब हम सोचते हैं कि हम क्या बनाएं, और चाहते हैं कि ऐसी कोई सब्जी बने जो फटाफट से बनकर तैयार हो जाए। तो आज हम ऐसी ही सब्जी लेकर के आपके सामने हैं, तो देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, प्याज, हरी मिर्च, मैंने 2 हरी मिर्च ली हुई है, 1 तेज पत्ता, हरी धनिया, कटे हुए 2 टमाटर मैंने लिए हैं, और लहसुन की 3 कलियां ली हैं मैंने, जो मैंने काट कर ली हुई हैं, और करी पत्ता। करी पत्ता नहीं भी है तो भी आप इससे काम चला सकते हैं, और अगर आपके पास टमाटर नहीं है घर पर तो आप इसकी जगह दही भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, अजवाइन, नमक, और ये हमारी हींग, और मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पानी। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम अपने बेसन में थोड़ा सा हम अपना लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच के लगभग, थोड़ी सी हल्दी, नमक आपके स्वाद के अनुसार, और अजवाइन जो है उसे आप थोड़ा सा क्रश करके हाथ से आप उसे डाल दीजिए। बेसन के साथ में अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और हींग का। तो जब भी आप बेसन की कोई चीज़ बनाएं तो उसमें हींग और अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो मैं यहाँ पर हींग डाल रही हूँ। हींग बहुत ही ज़रा सा, देखिए आप, ये मैंने डाला इसमें। अब हम इसे मिक्स करना शुरू करते हैं। अब हम पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसका एक गाढ़ा घोल बनाना है पानी की सहायता से, तो हम इसमें पानी डालते जाते हैं और इसे मिक्स करते हैं। सारा पानी एक साथ मत डालिएगा वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और आप इसे मिक्स करते जाइए। देखिए फ्रेंड्स, ये घोल मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल देते हैं, जिससे कि हमें उसका भी स्वाद इसमें मिले। अब इसे भी डालकर हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये हमारा रेडी है। अब हम इसे एक किनारे रख देते हैं, और उसके भी पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बहुत ही गाढ़ी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसा आप भजिए के लिए बनाते हैं उस तरीके का आप बना लीजिए इसे, और तो उससे भजिए से थोड़ा सा ज़्यादा इसका कंसिस्टेंसी गाढ़ी रखिएगा। अब हम इसे एक किनारे रख देते हैं। अब हम अपना इसकी ग्रेवी बनानी शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने कढ़ाई में मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया हुआ है। आप जो भी खाने का तेल यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। अभी हम अपना ये तेल जो है हम अपना ये तेल गर्म कर लेते हैं। हमारा तेल गर्म हो रहा है। अब गर्म हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए हम इसमें एक छोटे सा ज़ीरा डाल करके देखते हैं। तो थोड़ा सा टाइम है अभी हमारे पास। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें सबसे पहले हम अपना ज़ीरा डालते हैं। देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया है। ज़ीरा, तेज पत्ता हम इसमें डाल देते हैं, लहसुन डालेंगे हम इसमें, उसके बाद कटे हुए प्याज, हमारी हरी मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्च को बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने बड़ी काटी है ताकि जिसे पसंद ना हो जिसे हरी मिर्च, वह उसे निकाल सके आसानी से। देखिए, ये हमारा सब तड़क रहा है इसमें। अब हम इसमें अपनी करी लीव डाल देते हैं। ये हमारी करी लीव है। अब ये मसालों का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आ जाए। अब हम इसमें अपनी हल्दी,
हम इसमें हल्दी डालते हैं, देखिए इतना, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है इसीलिए हम इसमें ज़रा सा ही अपना लाल मिर्च डालेंगे। और हम इसमें थोड़ी सी, जितनी हमने उसमें डाली थी उतनी ही थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे। तो ये हमारा हो चुका है, हमारे प्याज भी हो चुके हैं। अब हम इसमें अपना टमाटर डालते हैं। ये देखिए मैंने टमाटर डाल दिया इसमें। अब हम इसमें इसी समय थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देते हैं, एक चम्मच के लगभग, ये देखिए एक चम्मच भर कर, एक से डेढ़ चम्मच में डाल रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए डेढ़ चम्मच मैंने गर्म मसाला डाला हुआ है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और इसी समय हम इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। जब तक ये मसाला तेल न छोड़ दे और टमाटर हमारे गल ना जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। हम इसे ढक देते हैं, ढक कर पकाते हैं ताकि हमारे टमाटर जो हैं थोड़े से नरम हो जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपना ढक्कन हटाकर देखते हैं। देखिए प्याज भी पक चुके हैं, प्याज मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया है इसमें। अब हमें इसमें पानी डालना है, तो हम इसमें एक गिलास के लगभग हम मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अब हम इसे पकने देते हैं, इसमें एक उबाल आने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे कि एक उबाल आ जाए। देखिए हमारा पानी जो है वो बॉयल हो रहा है, थोड़ा सा बॉयल अच्छी तरीके से हो जाए उसके बाद हम इसमें अगला प्रोसेस करेंगे। अब देखिए हमारे जो पानी है वो बॉयल हो रहा है, वो शुरू हो गया है। तो अब हम ये जो हमारे जो बेसन है इसके हाथ से छोटे छोटे बड़ियां बना करके हम इसमें डालते जाएंगे। और ये हम आपको दिखाते हैं, इस तरीके से हाथ में ले करके छोटी छोटी बड़ियां बना करके इसमें डालते जाइए। ये सब्ज़ी आप बना करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। और कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि कभी हमारे घर में सब्जियां नहीं भी होती हैं और तभी कोई गेस्ट आ गया या कुछ हुआ तो हमें परेशानी होती है, तब हम उस समय इस तरीके की सब्ज़ी बनाकर उन्हें इनके सामने रख सकते हैं। और ये सब्ज़ी यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसे। अब हम इसमें बढ़िया डाल रहे हैं, इस तरीके से हम सारी बड़ियाँ इसमें डाल देंगे और इन्हें पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बड़ियाँ डाल दी हैं, अब ये पक पक कर हल्के हल्के ऊपर आते जा रही हैं, तो हमें इनको हमको बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है क्योंकि ये बड़ियाँ अभी पक रही हैं, ये खुद ही पक पक कर ऐसे पानी में ऊपर आते जाएंगी। देखिए हम इन्हें थोड़ी देर पकने देते हैं, हम इन्हें थोड़ी देर पकने इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा बेसन कच्चा ना रह जाए, हमने कच्चे बेसन में ही सारी चीज़ें डाल करके इसमें डाली हैं, तो इसका अच्छी तरीके से बॉयल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये तुरंत बनती है सब्ज़ी झटपट, और इसमें बहुत टाइम भी नहीं लगता और आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होती है। हम इसे पकने देते हैं थोड़ी देर, और इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। इसे 2-3 मिनट के लिए हमें ढकना है, 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा करके देखते हैं हमारी सब्ज़ी को, थोड़ा सा गर्म हो गया है ये। अब हम अपनी सब्ज़ी को देखते हैं, देखिए ये पक चुकी है, बस अब हमें इसमें हरी धनिया डालना है।
हरी धनिया डाल के गार्निश कीजिए और हरी धनिया डाल के गार्निश कीजिए और इस सब्ज़ी का मज़ा लीजिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट बनने वाली ये सब्ज़ी है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू।